नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। श्री मेड़ा क्षत्रिय मेवाड़ा स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष योगेंद्र सोनी के नेतृत्व में 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन बड़ी धूमधाम से जगदीश मंदिर में संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि महापौर पुष्प मित्र भार्गव ने वर वधु को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में रवि मोहनलाल सोनी एक जोड़े व 4 जोड़े अध्यक्ष योगेंद्र सोनी ने अपनी माता रामकन्या बाई की स्मृति में सहयोग किया। इस कन्यादान महायज्ञ में योगेंद्र सोनी के नेतृत्व में समाज के सभी परिजनों ने आगे बढ़कर भाग लिया। कन्यादान में अध्यक्ष योगेंद्र सोनी द्वारा पलंग, अलमारी, टीवी, सोफा सेट और पायल, योग्यता पिता प्रेम नारायण सोनी ने 5,000 की FD कन्याओं के नाम, फ्रेंड्स कपल की ओर से वॉशिंग मशीन, फूल मुकेश राहुल सोनी द्वारा सीलिंग फैन, संदीप सोनी द्वारा ओवन, दिनेश सोनी द्वारा ट्रॉली बैग कन्यादान में दिया गया। इसके अलावा समाज के बंधुओं द्वारा कन्याओं को 5 जोड़े पायल दी गई। इस दौरान बनवारी लाल सोनी ने कहा कि समाज को मिलजुल कर ही कार्य करना चाहिए। वही योगेंद्र सोनी ने कहा, सभी समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में जो अपना सहयोग दिया है उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि इसी तरह हम मिलकर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। देखिए दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए इंदौर से वरिष्ठ संवाददाता गणेश सोनी की खास रिपोर्ट। जगदीश मंदिर में 5 जोड़ों का सम्मेलन किया गया है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। देखिए समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको शादी विवाह या ऐसे कार्यक्रम करने में बहुत सारी समस्या है, और चूंकि इंदौर समाज का एक हब है और ऐसी जगह है मध्य प्रदेश के अंदर जिसको हार्ट बोलते हैं, इसलिए हमारे सबके नौजवान योगेंद्र जी ने यहाँ पर क्षेत्रीय मेवाड़ा समाज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया। रवि जी दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि क्यों ना हम इस दिशा में जाएं, क्योंकि समाज हमारे ऊपर आशा भरी निगाह से देखता है और ये कहता है कि आप समाज का कौन सा आयोजन ऐसा करें जिससे लाभ नीचे तक पहुँचे। अभी हमने पहले परिचय सम्मेलन किया और अब उसी कड़ी में हमने ये सामूहिक सम्मेलन 5 जोड़े का किया है। निश्चित रूप से इससे समाज लाभान्वित होगा और अब हम इससे प्रेरणा लेकर, मुझे लगता है मेरी अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष काका से बात हुई है, मनोज काका से, विजय काका से, हार्ट पीपलिया के अंदर हम 5 जोड़े का सम्मेलन करेंगे। उसके बाद अगली कड़ी में हम सुधीर जी बात करके, योगेश जी से और सबसे बात करके हम शाजापुर राजगढ़ जिले में भी इस प्रयास को करना चाहेंगे, क्योंकि 5 जोड़े कोई ज़्यादा बड़ा लोड होता नहीं है और 5 जोड़े से मैसेज जाएगा कि समाज के लोग समाज को कुछ देने के लिए तैयार हैं। आज हमने देखा केवल अकेला व्यक्ति चला था, ये 2 फोटो दिख रहे हैं पीछे, 2 लोग निकले थे लेकिन पूरा समाज, आज 1500 लोगों ने भोजन किया, 1500 लोग यहाँ आकर एक दूसरे से मिले हैं, आपस में चर्चाएं की है, समाज में नया जागरण पैदा हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा ये आयोजन है। मैं इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। तो मैं उम्मीद रखता कि 5 से 50 जोड़े होंगे अगली बार। 50 तो अभी 6-7 जोड़े वेटिंग में है। अच्छा जी, हमारे पास स्थान का अभाव था, इस जगह पर हम 2-5-10 हज़ार लोगों को बुला नहीं सकते क्योंकि हम स्थान तय कर चुके थे और हमारा संकल्प था कि 5 जोड़े कम से कम करने हैं, अभी 6 जोड़े वेटिंग में। आने वाले समय में यदि हम चाहें तो ये स्थान बड़ा करके, हम योगेंद्र जी हम आपस में चर्चा करेंगे, कुंदन जी वगैरह बैठ के, तो हम बड़ा स्थान लेकर बड़ा सम्मेलन भी कर सकते हैं। 5 अभी 6 वेटिंग में है हमारे पास, लेकिन 5 का ही स्थान था। तो आप सब लोग मिलके करेंगे, इसलिए सब अलग लोग करेंगे। देखिए एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता, देखिए जहाँ तक समाज का एक ही मंच पे काम हो तो बहुत अच्छा रहता है। एक मंच ही है वो, तो कुछ लोगों का जो ये माइंड है ना वो डिस्टर्ब है, उस कारण तकलीफ आती है। तो ऐसे लोगों ने ही समाज को बदनाम कर रखा है, वो समाज को बदनाम कर रखा है। हमारे मन में कोई मेल नहीं, कुंदन जी कहाँ है, नारायण जी कहाँ है, मनोज काका कहाँ है, विजय काका कहाँ है, सुधीर जी कहाँ है, सुभाष काका खड़े हैं, हमारा मन साफ है साफ, और साफ मन से जो काम करता है उसका ऐसा परिणाम आता है निर्विवाद। और इतना अच्छा संपन्न कार्यक्रम हुआ क्योंकि हम सबका मन ठीक था, और मन जब ठीक था तो समाज भी ठीक दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं आपका परिचय जान सकता जी? आपका परिचय जान सकता हूँ? मैं बनवारी सोनी, समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता। धन्यवाद जी। योगेंद्र जी, आज आपके नेतृत्व में जो शानदार कार्यक्रम हुआ उसके हिस्से में आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके माध्यम से सभी समाजों को नमस्कार करता हूँ, और पिछले कई समय से मैं सोच रहा था कि समाज में कुछ ऐसा किया जाए कि एक
प्रेरणा बने और जो समाज की आवश्यकता है इस समय उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सामूहिक विवाह करने का सोचा, संकल्प लिया और 5 जोड़े का हमने यहाँ पर आज सामूहिक विवाह किया। इसमें 1 जोड़ा का जो खर्च उठाया वो हमारे रवि मोहनलाल जी सोनी अगरबत्ती वाले हमने उठाया और 4 जोड़े का जो खर्च है वो मैंने परिवार के साथ उठाया। तो आपके माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी समाज जन इस प्रकार से काम करें एवं समाज जन से भी मैं ये निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों के सामूहिक विवाह के अंदर ही शादियाँ करें, जो शादी करके अपन लोग सारा खर्चा कर सकते हैं और कहीं ना कहीं समाज में और परिवार में एक नुकसान है। अगर उस पैसे को आप सामूहिक विवाह करके बचा सकते हैं, सामूहिक विवाह में बात करके, तो कोई बच्चा उस पैसे से अच्छा व्यापार कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि समाज में जो सेवा कर रहे हैं वो सामूहिक विवाह को बढ़ावा दें और जो समाज के बच्चे बच्चियाँ हैं उन परिवारों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ कि वो सामूहिक विवाह में ही शादियाँ करें। आज जैसा आपने सफल कार्यक्रम किया है ऐसी अगले कार्यक्रम भी दो आप सम्मिलित करेंगे, आप ऐसे बड़ा कार्यक्रम करेंगे? जी अभी जब हमने फैसला लिया कि 5 जोड़े का सामूहिक विवाह करना है तो उसके 2-3 दिन बाद ही फोन आने लगे कि भाई साहब हमारा भी जोड़ा है, ऐसे करके 5-6 जोड़े की ओर हमारे पास आई। लेकिन आप भी देख ही रहे हैं कि जगदीश मंदिर एक छोटा स्थान है, यहाँ की कैपेसिटी 1000 लोगों की, अगर हम इसमें 11 जोड़े करते हैं जैसे आज की संख्या हमारी 1500 से 2000 के बीच में रही, अगर हम जोड़े बढ़ाते हैं यहाँ की संख्या और बढ़ जाती, तो हमने अव्यवस्था को देखते हुए हमने जोड़े नहीं बढ़ाए और अगली बार हम जरूर 11-21 जोड़े का सामूहिक विवाह करेंगे और उसमें हम ये ऐसा रखेंगे कि एक एक जोड़े की शादी कोई भी एक परिवार उस शादी का खर्च होता है और 4-5-10 जोड़े जने परिवार मिल के सामूहिक विवाह करें, ऐसा मेरा प्रयास है। जैसे कि नौरे राजू ने बताया कि आजकल सब लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपने अपने नाम चलाने के लिए कैसे काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो समाज के अंदर सेवा एक अलग चीज़ है और रोटी सेकना एक अलग चीज़ है। मैं मानता हूँ कि पट्टागिरी चल रही है, पक्षगिरी चल रही है कि ये हमारा ये मेरा पट्टा है कि मेरा आदमी है मेरा आदमी चल रहा है, सभी पूरे समाज में सभी दूर चलता है। लेकिन मेरा तो ये है कि जब आप समाज सेवा करने निकले हैं और समाज ने आपको अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का मौका दिया है तो एक सेवक के रूप में ही सेवा करना चाहिए। मेरा तो आपके माध्यम से समाज में कहना चाहता हूँ कि जगदीश मंदिर में कोई भी अध्यक्ष, आप उस जगदीश मंदिर के अध्यक्ष को देखो, वो अध्यक्ष कौन है क्या है ये ना देखा जाए। अगर जगदीश मंदिर को देख के अगर समाज सेवा में अगर आप काम करेंगे तो मैं कहता हूँ कि समाज बहुत जल्दी बहुत अच्छी ऊंचाइयों को पहुँचेगा। लेकिन रहता क्या है कि आज मैं हूँ तो मैंने योगेंद्र के साथ में ये है तो हम नहीं है, हमें तो वो नहीं है, चलता है आप लोग देख ही रहेंगे आप समझते हैं ये चीज़। लेकिन मैं तो नहीं मानता ये चीज़, मैं तो ये आज भी ये चाहता हूँ कि सभी एक जजम पे काम करें, मैं कोई काम कर रहा हूँ तो सभी मिलकर मेरा हाथ बटाएं और अगर आप कोई काम करते हो तो मैं आप लोगों का हाथ बटाऊँगा, कंधे से कंधे मिला के चलूँगा, मेरा एक प्रयास है। जैसे समाज आज एकता मांग रहा है उसके बाद में रोज समाज के लोग अपने अपने अलग अलग रोटी सेक रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो लोगों का काम है कहना और मेरा तो फर्ज है। अभी आपने देखा ही होगा कि मैंने अभी दशहरा मिलन समारोह करा था, हमारे इंदौर में 8 थोक हैं, इंदौर के 8 ही थोक मेरे साथ मेरे एक जजम पे खड़े थे, एक मंच पे खड़े थे, एक मंच से हमने 2000 लोगों का एक शानदार प्रोग्राम करा और 2000 लोग करीबन उसमें आए और सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और आज इस प्रोग्राम में भी आज 1500-2000 लोग आए, सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और सभी खुश हैं। मैंने एक दुल्हन से भी पूछा, दूल्हे से भी पूछा जो यहाँ प्रोग्राम में पधारे, उन मेहमानों से भी पूछा, सब खुश थे, सबको अच्छा लगा इस प्रकार के प्रोग्राम से, बस मेरे को ये खुशी है। बाकी मैं कोई अपनी रोटी सेकना या मेरा बड़प्पन के लिए मैं ये नया प्रोग्राम नहीं किया है, मैंने तो मेरा एक आत्म शांति के लिए ये प्रोग्राम किया है। मेरी यहाँ बेटी थी नहीं
मैंने कन्यादान के रूप में इन चार जोड़ों का शादी करने का संकल्प लिया और मैंने आज संपन्न। मैं आपका परिचय जान सकता हूँ। मैं योगेंद्र सोनी, श्री मेठ छत्तीसगढ़ का मेवाड़ समाज, जगदी मंदिर, जिला इंदौर, अध्यक्ष। धन्यवाद जी।